हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। रोज़ रोज़ गेहूं का रोटी खा के आप बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का गार्लिक रोटी। ये खाने में टेस्टी है, बनाने के लिए आसान है और जल्दी डाइजेस्ट होता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनको इस रोटी का रोज़ाना खाने से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पाया गया है कि सूजी एनर्जी बूस्टर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है, तो वेट लॉस करने में ये कारगर है। तो चलो देखते हैं सूजी गार्लिक रोटी कैसे बनाते हैं। ये रोटी बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है। उसमें 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ गार्लिक डाला है। थोड़ा सा धनिया, कड़ी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच तिल, उसे सीसम सीड्स कहते हैं, वो सभी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के चम्मच से मिला लीजिए, क्योंकि पानी गर्म रहते हैं। बाद में उसे हाथों से अच्छी तरह मल के थोड़ा सा तेल लगा के 5-10 मिनट के लिए रख लीजिए। अभी आटे का मीडियम साइज का गोला बना लीजिए और कौन सा भी आटा लीजिए, चावल आटा, गेहूं आटा, कौन सा भी चलेगा। उसमें वो गोले को डीप करके अभी रोटी कैसे बनाते हैं वैसे ही इसको आटा लगा के गोल सा लाट लीजिए। कितना पतला होता है उतना पतला बना लीजिए। अभी रोटी को गरम किया हुआ तवे पे डाल के दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लीजिए। अभी ये सूजी का गार्लिक रोटी खाने के लिए तैयार है। इसे आप दही, रायते अन्य किसी सब्जी के साथ में भी खा सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसे लगा मुझे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरा नया वीडियो आपको पहले मिले। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।